अभी हम आपको राजपुरा लिए चलते हैं, जहां से दया सिंह जो है मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हैं। दया, कल जो है दसवें दौर की बातचीत होने वाली है केंद्र और किसानों के बीच में। हालांकि केंद्र की तरफ से जो है फिलहाल कोई इन्विटेशन नहीं मिला गया है, लेकिन राजपुरा में किसानों का क्या कुछ कहना है? जी दीपिका, गल करिए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय तो जिहड़ी मीटिंगां दा दौर चलता आ रहा है, और 9 मीटिंगां हो चुकिया ने, हुण 10वीं मीटिंग का दौर शुरू है। कल नूं मीटिंग होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक ला दी थी। उस तो बाद जिहड़ा हुण नवां मीटिंग दे विच की एजेंडा आउंदा है, की फैसला आउंदा है, उस संबंधी राजपुरा दे विच आपां खड़े हाँ। किसान भी ने, व्यापारी भी ने, हर एक वर्ग के लोग जुड़े ने। गलबात करदे हां उहनां नाल। की लगता है सर कि कल जिहड़ी मीटिंग हुण जा रही है, की फैसला आ सकता है, कितना कु उम्मीद ने तुहानूं इस बारे? यह जी चार मैंबरी कमेटी बनाई गई है, यह पहली कमेटी चो ही बंदे चुने गए हैं। सानू नहीं लगता है कि कमेटी का कोई मतलब हल हो, मसला हल होएगा। असी तो मोदी साहब नू बेनती करते हैं कि इनू बिल्कुल ही रद्द किया जाए। जो खेतीबाड़ी कानून बनाए गए हैं, इनू जड़ तो ही खत्म किया जाए, ताकि दुनिया खुशहाल होवे, हसन खेलन के लोग अपने अपने कामों में आके दोबारा कामों में लगन, ताकि इन्ने मोदी सानू नहीं लगता कि कल यह मसले का हल होएगा। ये चार मैंबरी कमेटी पहले उही मैंबर ने जो पहला मैंबर बैठते हैं। बस असीं तां इही कहना चाहुंदे आं वी इह मतलब मसला बिल्कुल ही खत्म किया जाए, तां कि दुनिया खुश रहे, अपने अपने घरां नूं हसे खेड़े आण। बहुत ठंड दे विच इन्ने बलक रहे ने, दुनिया बहुत बिलक रही है, दुनिया बहुत परेशान हो रहे हैं, व्यापार परेशान हो रहा है, हर कारोबार बार सफर कर रहे हैं, हरेक चीज़ का नुकसान ही हो रहा है। इहदे नाल जिस तरह के पंजाब दे विचों 26 तरीक नूं ट्रैक्टर मार्च की परेड की जानी है दिल्ली विच, लगातार पंजाब दे विचों ट्रैक्टर जा रहे हैं, किदां लगता है कि कल जेकर फैसला किसानों के हक विच नहीं आता, संघर्ष होर तिखा होगा? हाँ, संघर्ष बहुत तेज होने वाला है। देखो जी, असी सारा दिन उपाज बैठे हैं, दुनिया आँदी जाती है, साढ़े कोल किसान भी आते जाते हैं, वह भी यही गल्लां करते हैं। अगर साडा कल नतीजा नहीं निकलता तो असी अगली मीटिंग भी शायद ना करिए, फिर तो असी 26 जनवरी को रैली के विच ही पहुँच जाना है। उन्होंने जी परेड होनी, असं कहने तुम अपने तरीके शांतमई करो, ना साडे बंदे परेशान हो, ना दुनिया परेशान होवे। साडी हाथ जोड़ के बेनती है, कृपा करके ये मुद्दे नूं बिल्कुल खत्म, कल ही खत्म कर दिया जाए। अमित शाह जी के अगे बेनती है, मोदी साहब जी के अगे बेनती है, प्रधानमंत्री जी वधिया फैसला लो, ता कि दुनिया शांतमई तरीके अपने अपने घर वापस आवे, तो अपने अपने कामों में वापस लाने। इहदे नाल खेती का सफर हो रहा है, आने वाले पीढ़ियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। असी वारी वारी यही अपनी हाथ जोड़ के बेनती करते हैं भी खेती बन जे कानून बनाए से चारे के चारे सारे 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 रद्द किए जाए, ताकि एन खुशहाली ना दुनिया अपने अपने कामों में लगे। थानू की लगता है, किन्नी उम्मीद है कल मीटिंग रखी जा रही है, की लगता है कोई किसानों के हक च फैसला आ सकता है? नहीं नहीं सर, सानू नहीं लगता, क्योंकि पहलियां 9 मीटिंगां का जो कोई फैसला नहीं आया, तो 10वीं नूं कि मिलती है भी ये फैसला साडे हक च आएगा। देखो जे कल नूं कोई फैसला नहीं आता तो साडा संघर्ष ही होर तेज होएगा। ट्रैक्टर मार्च अगर साडा पूरी जोर जोर से चलेगा, क्योंकि लगातार विरोध भी होंदा जा रहा है, किसान भी उत्थे मौतां हो रहियां ने, कितना कितने लगता है कि इस कल की मीटिंग कोई आसार नहीं लगते, या जे अगर नहीं आसार लगते होर संघर्ष तिखा होएगा। 26 तरीक नूं रैली की जा रही है। हाँ जी सर, 26 नूं जो रैली की जा रही है उहदा संघर्ष बहुत तिखा होएगा। इत्थों रोज़ लखां दे ट्रैक्टर जा रहे हैं, 26 नूं तां होर कतारां वध जाणगियां जे कल नूं कोई सरकार साडा फैसला नहीं सुणदी। अगर सरकार ते अग्गे यही बेनती है भी काले कानून वापस किए जाण, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਾਪਸ ਆਣ। ਸੋ ਦੀਪਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, दोबारा फिर कल मीटिंग होने जा रही है, कुछ आस नहीं लगती है, पर संघर्ष जिहड़ा होर तिखा हो सकता है, क्योंकि लगातार जिहड़ी ट्रैक्टर ट्रालियां पंजाब दे विचों दिल्ली वल जा रही ने, लगातार पुराने ट्रैक्टर जिहड़े पंजाब दे विच ने उन्हां नूं मॉडिफाई किया जा रहा, तैयार किया जा रहा भी इस संघर्ष नूं होर तिखा किया जाए। उन्हां दा कहना है कि साडा संघर्ष उदों तक जारी रहेगा जदों तक साढ़े 3 खेतीबाड़ी कानून रद्द नहीं होंदे। जी।